मीना बाजार का एरिया जामा मस्जिद का एरिया है, बड़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ सामान खरीदने के लिए। मगर इस वक्त दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया में चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में चार चरण का चुनाव हो चुका है और न जाने सत्ता किसको मिलेगा नहीं मालूम, फिर भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत जागरूक हैं और बहुत जोश हैं। तो मैं यहाँ जो दिल्ली 6 के लोग हैं, मैं मीना बाज़ार के लोगों से जानना चाहता हूँ कि चुनाव में सरकार चाहिए कैसी। कुछ लोग, कुछ पब्लिक जा रही है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अगर बात करना चाहेंगे तो। जी सर बताइए। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम नाजिश। नाजिश, सरकार कैसी चाहिए दिल्ली के अंदर, सेंट्रल में? दिल्ली के अंदर सरकार चाहिए और सेंटर में भी सरकार, दोनों में सरकार कांग्रेस की चाहिए। क्यों कांग्रेस सपोर्ट करते हो, क्या वजह है? बहुत सारी वजह, एक वजह नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है देश को। अच्छा। पीछे 70 सालों में, कहने वाली बात अलग है कि 60 सालों में या 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है। 25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मीना बाजार नाम की कोई जगह भी हो सकती है। लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो पहली मार्केट जो बनी थी रजिस्टर्ड मार्केट, वो मीना बाजार है। राजीव गांधी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। इसके अलावा दिल्ली में भी जितनी मार्केट भी बसी हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस ने ही बसाई हैं। अच्छा अच्छा, अपने हिसाब से। तो गोया कि आपको कांग्रेस सरकार चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अभी जो गठबंधन हुए हैं देश के अंदर, उस गठबंधन में कुछ कहना चाहोगे? गठबंधन अच्छा है, ख़राब है, किस लिए हुआ गठबंधन? गठबंधन अच्छी चीज़ है। किस लिए? कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना गठबंधन के लड़ रही है। आप शुरू करो जम्मू एंड कश्मीर से लेके नीचे आ जाओ केरला तक। मैं सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, गठबंधन किसी एक को बुराई लग सकती है लेकिन वो पार्टी तो खुद 42 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है। जी सर, आपका नाम बताइए। कृष्ण कुमार। हाँ सर बताइए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो रहा था, होते होते नहीं हो पाया, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? किसको नुकसान, किसको फ़ायदा पहुँचेगा इसमें? बीजेपी को नुकसान है, कांग्रेस को फायदा है। कैसे? क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ ना, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा, बीजेपी का नुकसान होगा इसमें। अच्छा, 14 के बाद से सरकार जिस तरह से चली है, आप लोग का बिजनेस ऐसा चला है, अगर बीजेपी दोबारा आती है तो क्या आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्यों? वो तो मोदी कह रहा है कि हमने बहुत कुछ किया देश के लिए। अरे GST लगा दिया इसमें, सब बर्बाद हो गया, छोटी छोटी पब्लिक, आम आदमी बर्बाद हो गया इसमें GST में। तो सरकार कैसी चाहिए आप लोग को? जो कांग्रेस सबकी आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार। अच्छा जी। ये भाई साहब आप बताइए। हाँ भाई, हमारी सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। जब से मोदी आए हैं काम धंधा वो रोजगार बहुत ख़त्म हो गया है, समझो इसमें गरीबों मारे गए हैं, बाकी जो बड़े बड़े आदमी को तो फर्क पड़ते नहीं है, GST से भी नहीं। सरकार कैसी होनी चाहिए? जी आपका नाम? असलम। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी हो जैसे महंगाई कम हो, स्कूलों की फीसें कम हो और सबका विकास हो। जी जी। और मतलब ये कि अच्छी वो चले, जो लोगों महंगाइयाँ हमें झेलना पड़ लिया है। अच्छा, जो ग्राहक आपके यहाँ आते हैं उनसे कुछ बातचीत होती है महंगाई को लेकर के? बहुत बात होती है, मतलब काम बहुत हल्के हो गए महंगाई को लेके, हर चीज़ महंगी हो गई है तो कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है ये। अच्छा, कांग्रेस सरकार चाहिए या BJP या थर्ड फ्रंट चाहिए, ऐसा कुछ? कोई भी आए, सरकार अच्छी होनी चाहिए जिसमें सबका भला हो, सबका भला हो, सबके काम चलें, महंगाई कम हो। बहुत दिल्ली में गठबंधन होते होते रह गया, अगर होता तो किसको फ़ायदा होता, नहीं हुआ नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा किसको होगा? जी कांग्रेस को या BJP को या आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को होता। आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा। आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा।